नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने किया सार्वजनिक प्याऊ का लोकार्पण, मुसाफिरों को नहीं होना पड़ेगा पानी के लिए परेशान। रायसेन में थमने का नाम नहीं ले रहा बाड़ी मस्जिद कमेटी का विवाद, मस्जिद कमेटी का चार्ज नहीं दे रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तैयब हाशमी। नरसिंहपुर में पदस्थ सहायक फील्ड ऑफिसर डीएस जाटव 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोन की स्वीकृति के लिए 50,000 की मांग कर रहा था अधिकारी। राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड स्थित वार्ड नंबर 19 के घोड़ा नक्साज क्षेत्र में मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। ज्ञात हो कि नादरा बस स्टैंड क्षेत्र होने के चलते दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिसमें बाहर के मुसाफिरों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। उसी को देखते हुए वार्ड 19 के पार्षद शाहवर मंसूरी ने लोगों की सुविधा को देखते हुए विधायक आरिफ मसूद के हाथों प्याऊ का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में व्यापारी गण मौजूद रहे। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। रायसेन जिले की बाड़ी मस्जिद कमेटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर बाड़ी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष नियामत उल्लाह खान ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ रायसेन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी को ज्ञापन सौंपकर मारपीट के झूठे मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। सबूत के तौर पर अध्यक्ष ने एक सीडीपी आवेदन के साथ पेश की है। कांग्रेस नेता इरफान दुरानी ने बताया कि एक तो तैयब हाशमी 4 महीने से मस्जिद कमेटी का चार्ज नहीं दे रहे हैं, वहीं चार्ज मांगने पर लड़ाई झगड़े को जमात का रूप देकर अवाम में गलतफहमी फैला रहे हैं। जांच की कार्यवाही से बचने के लिए वर्तमान अध्यक्ष और हम लोगों के खिलाफ झूठी पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए हम लोगों ने आज एसपी महोदय को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। बाड़ी कला के तैयब मियां पूर्व में सदर थे, अभी 4 महीने पहले नियामतुल्लाह खान को जामा मस्जिद बाड़ी का कला का सदर वक्फ बोर्ड द्वारा बनाया गया। ये है नियामतुल्लाह, उसके चार्ज को लेकर 4 महीने से तैयब मियां आनाकानी कर रहे हैं, उसका चार्ज नहीं दे रहा है। मस्जिद में अव्यवस्था फैल रही है, मस्जिद में बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं है, इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। इसी बात को लेके एसडीएम कोर्ट में हम लोग नियामतुल्लाह साहब ने गुजारिश की, कार्यपालक दंडाधिकारी ने शायद 25 तारीख को फैसला दिया इनको कि चार्ज दें आप। तहसीलदार को लिखा, तहसीलदार ने तैयब मियां को नोटिस भेजा, इनने नोटिस तामील करने से इनकार कर दिया। और जमात का बहाना लेकर, चूंकि जमात कल शाम को 8 बजे 27 तारीख को 8 बजे जा रही है का रिजर्वेशन है, और ये 26 तारीख को दोपहर में वहां से 3 बजे 4 बजे सिर्फ जमात के बहाने से बाड़ी से भागना चाह रहे थे। तो इन लोगों ने, हमने उनसे रोक के गुजारिश करी कि हजरत आप जा रहे हैं मस्जिद किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, आप चार्ज दे दीजिए। ये मामला था, पूछ रहा हूँ कि ये अभी जो आप आवेदन देने आए तो यहाँ किस पर्पज से राय से ना? आवेदन सिर्फ ये देने आया था कि चार्ज की बात को, दीनी बात को दूसरे उसमें मोड़ दे के आपने जो झूठी शिकायत थाने में हम लोगों के खिलाफ करी है कि साहब हम लोगों ने मारपीट करी, कोई मारपीट वहाँ हुई नहीं, न मस्तूरात से किसी का आमना सामना नहीं हुआ। और जहां तक औरतों के इस्तेमाल का सवाल है तो ये पुराने आदि हैं इस चीज के।
नरसिंहपुर में पदस्थ सहायक फील्ड ऑफिसर डीएस जाटव ने गाडरवारा में रहने वाले मुकेश बिलासपुरिया से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फोटो स्टूडियो की सामग्री हेतु स्टेट बैंक गाडरवारा से लोन की स्वीकृति हेतु 50,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी जाटव को 45,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से रिश्वत में लिए गए 15,000 रुपए नकद और 30,000 का चेक बरामद कर आरोपी जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट News 29 इंडिया। गाड़ावाड़ा के अलका पोलो स्टूडियो के मालिक मुकेश बिलासपुरिया हैं। इन्होंने उद्योग केंद्र के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र अपने नरसिंहपुर के माध्यम से लोन स्वीकृत कराया था 80 लाख का, और जिसका लोन स्वीकृत कराने में वहाँ के सहायक प्रबंधक डीएस जाटव साहब ने का, चूँकि प्रभारी क्षेत्र के, तो उनके द्वारा सेंक्शन कराया गया था, और लोन सेंक्शन कराने के एवज़ में 10% के हिसाब से 80,000 रुपये की डिमांड की गई थी, जो बाद में उन्होंने 45,000 पर आकर ये मंजूर हुए। और आज उन्होंने इसकी शिकायत प्रशिक्षक लोकायुक्त जौलपुर श्री अनिल स्वर्ण साहब को की थी, जिसकी आज तस्दीक में हम लोग यहाँ पर आए थे, और तस्दीक पर इनको 15,000 रुपये नकद और 30,000 रुपए का चेक देकर 45,000 की रिश्वत देते हुए। नरसिंहपुर के वर्तमान विधायक और शिवराज सरकार में पीएचई मंत्री रहे जालम सिंह ने कांग्रेस वाली प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जालम सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनने से भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। शासकीय कार्यक्रमों में बीजेपी पार्टी के सांसद, भाजपा विधायक, जनपद अध्यक्ष को वह सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के कारण वह पात्र है। जिले के शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा जनप्रतिनिधियों और प्रोटोकॉल पे कांग्रेस सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। भाजपा जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर प्रशासन उनके सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दो शासकीय कार्यक्रमों में विशिष्ट नागरिकों के तय मापदंडों के अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई। गौरतलब है कि दोनों ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति थे, लेकिन अन्य विशिष्ट अतिथियों में एक भी जनप्रतिनिधि न होकर समस्त कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों का नाम आमंत्रण पत्र में रखा गया, जिनमें एक भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि यह कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं सरकारी आयोजन है। ऐसी बात से आहत नरसिंहपुर विधायक जालम पटेल ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों के कार्ड में नाम और भाषण में भेदभाव को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। सर, क्या कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं? कल माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ अंतोदय मेला में आ रहे हैं, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। सर, विधायक की बात की जाए, नरसिंहपुर विधायक की बात की जाए, जनपद अध्यक्ष की बात की जाए, तो उनका कहना कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। नहीं, विधायक का तो नाम है उसमें। नहीं, परसों कल कार्ड में कल भी जो ऋण माफी का कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी उनका नाम नहीं था, कल तो आमंत्रित नहीं किया गया। कल तो मैं भोपाल में था इलेक्शन की ट्रेनिंग में, लेकिन मेरे से वो पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कल के बारे में, लेकिन कल मैं भोपाल में था ट्रेनिंग में इलेक्शन की। तो क्या सर होना चाहिए अधिकारियों, उनका नाम जनप्रतिनिधि? नहीं नहीं, होना चाहिए, सभी का प्रोटोकॉल में जो नाम आना चाहिए वो तो आना चाहिए, विधिवत आना चाहिए। लिखवाएंगे सर मामले? जी, जांच करवाता हूँ। शासकीय कामों में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, कल भी अंत्योदय मेला है, जिस तरीके से विधायक का नाम ना होना, जनपद जिन जनपद में हो रहा है जनपद अध्यक्षों का नाम ना होना, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रही है और प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो रहा है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, कमलनाथ जी की सरकार बनी है, वो लगातार हमारे प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, या तो उन पर दबाव कांग्रेस में आने के लिए बनाया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, या जो उनका अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो भी सरकारी कार्यक्रम बनाया जा रहा है उनमें बुलाया नहीं जा रहा, और बिना मतलब जो पार्टी के कांग्रेस के पदाधिकारी उनको बुलाया जा रहा है। कल किसानों का एक कर्जे माफ़ की कोई कार्यक्रम था, उसमें विधानसभा अध्यक्ष के अलावा कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं था। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो कभी नियम कानून का तो कोई कभी पालन करती नहीं है, और उसी का उदाहरण है कि मैं ऐसा कहता हूं कि उन्होंने जनप्रतिनिधि और प्रोटोकॉल पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार उनकी जारी है, और जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको
तहस नहस करने में कांग्रेस पहले से भी आगे रही और आगे वो लगातार वही काम आज भी कर रही। बुरहानपुर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री के जिले अस्पताल पहुंचने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों व स्टाफ के साथ साथ यहां भर्ती मरीजों से भी चर्चा की और उनकी परेशानियां जानी। उन्होंने CMHO और सिविल सर्जन से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए। अस्पताल में लगे वाटर कूलर में ग्लास नहीं होने और गंदगी पर मौके पर CMHO डॉक्टर खरे को फटकार लगाई। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में 15 सालों से डॉक्टर्स की कमी है। मंत्री बने मुझे 45 दिन हुए हैं। मेरा फोकस प्रदेश के जिला अस्पतालों पर है, जिसका मैं सतत निरीक्षण कर रहा हूं। जिला अस्पताल में गरीब, अनुसूचित, सूचित जनजाति के वर्ग के मरीज आते हैं, लिहाजा प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ का गरीब मरीजों के इलाज के प्रति बदलाव आए, इसको लेकर मैं लगातार जिला अस्पतालों को औचक निरीक्षण कर रहा हूं। डॉक्टर की कमी पर बोलते हुए मंत्री सिलावट ने कहा कि इसको लेकर हमने रिटायर होने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु में इजाफा कर दिया है। बुरहानपुर से तफसील हुसैन, मुलायम वाला की रिपोर्ट। क्या कमियां पाई, क्या निर्देश दिए? एक तो जो दवा का वितरण है वहाँ पर ज्यादा भीड़ लगती है, 2 के 4 काउंटर कर दिए, बाहर पानी का आरो लगे, ये निर्देश दे दिए है कि नहीं? और दवा समय पे मिले, डॉक्टर समय पे उपलब्ध हो, मेरा जो समाज का अंतिम व्यक्ति मेरे जिला अस्पताल में आता है उसका इलाज ठीक तरीके से हो, जो जो कमी है सब निर्देश दे दिए, उसको मैं 8 दिन बाद समीक्षा करूंगा। चलो सर, डॉक्टरों की इलाज करने की मानसिकता नहीं, इसको कैसे डेवलप? मेरी बात सुनो, पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में इसीलिए जा रहा हूँ, उनकी मानसिकता चेंज करना। मध्य प्रदेश में बदलाव है, बदलाव मेरे डॉक्टर में भी दिखेगा। एक सवाल है, ये दो सवाल पूछो, मीसा बंदियों को लेके सत्यापन करने को कहा गया था, बुरहानपुर पिछड़ गया है और अब मीसा बंदियों का मतलब आंकड़ों से सरकार के खिलाफ बुरहानपुर में इसका सत्यापन नहीं करे। आप मेरे संज्ञान में लाए हो, पूरी जानकारी लेके मैं इसकी समीक्षा कर लूंगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।